बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अबतर सदकल्लाहुल अज़ीम। माइक्स अपने ऑफ कर दें प्लीज़, माइक्स स्टूडेंट्स के ऑन है अभी भी, ऑफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट पेपर ये 5 है, लेक्चर इंग्लिश 2024 पैडागोजी पोर्शन है FPSC का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टीचर हु इज़ अनएबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट शुड इवेलुएट हिज और हर टीचिंग मेथड। एक टीचर जो स्टूडेंट को अटेंटिव नहीं रख सकता क्लास के अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए? उस टीचर को चाहिए कि वो अपनी टीचिंग मेथड्स को इवेलुएट करे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होती तो यकीनन स्टूडेंट जो है वो उसकी टीचिंग की तरफ या उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते, ठीक है? तो अगर टीचर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या करना चाहिए उसको? इवेलुएट हिज आर हर टीचिंग। आपको जो फुल चैप्टर के रिव्यूज़ हैं उनका लिंक हर एक ग्रुप के अंदर आज भेज दिया गया था। जितने भी FPSC के पेपर 4th एडिशन में ऐड नहीं थे, FPSC का सिर्फ एक पेपर जो है 4th एडिशन में प्रिंटेड था, तो अभी बाकी जितने मेरे पास अवेलेबल थे एक्सेप्ट 2000 ये अभी जो रिसेंटली मेल का पेपर हुआ है लास्ट मंथ, उसके अलावा वो भी मैंने आपको सॉल्व करके ग्रुप में वैसे भेजा हुआ था, एक दफ़ा फिर भी भेज देंगे क्योंकि उसको डिस्कस भी करेंगे एक दो दिन तक। तो उसके अलावा बाकी सारे पेपर्स और जो फुल चैप्टर रिव्यूज़ हैं मैं अब वो नहीं कराऊँगा, उनके लिंक्स मैंने आपको जो है वो एक प्लेलिस्ट की शक्ल में भेज दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे उम्मीद होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के आज मैसेज आए हुए थे कि वो लिंक आपने रात कहे थे वो नहीं भेजे, मैंने कहा ग्रुप में भेज दिए, कहते नहीं भेजे सर। तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा चले मैंने भेजे हैं, तो चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आप देख लें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो देखते हैं तो कहते हैं हाँ सर सॉरी स्किप हो गया था। तो ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे इनबॉक्स में रोज़ाना मैसेज आते हैं कि सर ये चीज़ नहीं आई, ये नहीं आई, हालांकि भेजी हुई होती है, भूल जाते हैं हम भी कभी कभार, लेकिन देख लिया करें ग्रुप को रेगुलरली, एक एक चीज़ को नोट किया करें। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं इंशाल्लाह ताला मैंने चैनल का लिंक आपको भेजा है सबको, तो वो व्हाट्सएप चैनल को जो है लाजमी ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि मुझे मैंने वो आपको क्वेश्चन भेजने पोल की शक्ल में, क्वेश्चन क्या होंगे जो ऐसी चीज़ें हैं जो किताब में अप टू डेट नहीं होगी, जैसे मिसाल के तौर पर लिटरेसी रेट है, वज़ीर तालीम पंजाब का नाम, वज़ीर आला सॉरी वज़ीर तालीम जो हमारे फेडरल हैं उसका नाम, ठीक है, और लेटेस्ट जो हमारा जो एजुकेशन डे है सेलिब्रेट हुआ उसका जो है वो थीम क्या था, इस तरह की चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, अप टू डेट होती हैं, वो फिर मैं एंड पे आखिरी 15-20 दिन के अंदर रोज़ाना दो दो चार चार चीज़ें करके शेयर करता हूँ। तो वो चैनल आपने लाजमी सब ने जो है वो एक तो उसको फॉलो कर लेना है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस की जो जो अपडेट जहाँ पर आती है ना, व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ पर आपका शो होता है तो उसमें चैनल भी शो हो रहे होते हैं नीचे, तो जब आप इसको फॉलो कर लेंगे वो उस लिंक को ओपन करेंगे तो बिल्कुल नाम के सामने फॉलो का बटन आएगा, उसको प्रेस कर देंगे तो आपको स्टेटस में आपके अपने स्टेटस के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन शो होती रहेगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी देखेंगे ना, तो आपने मिसाल के तौर पर आप आज ज्वाइन कर रहे हैं तो आज से पहले जितने भी कन्वर्सेशन उस ग्रुप के अंदर है वो सारी आपको उस चैनल के वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? एक बंदा जो है वो 10 दिन बाद ज्वाइन करता है, तो व्हाट्सएप चैनल का ये फ़ायदा है कि पिछले 10 दिन का डाटा भी उसको जैसे ही वो उसको फॉलो करता है, फॉलो का बटन प्रेस करेगा, उसको वो सारा मिल जाएगा। तो जिनके पास लिंक ना हो तो वो जो है वो ले सकता है व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर मैसेज करके। वन ऑफ द पर्पज़ ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान इज़ टू गेट इंट्रोडक्शन जो है उसका जी सॉरी सर जो आपने वीडियो उसके लिंक भेजे हैं। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलें सर, जो आपने लिंक उसमें स्लाइड भी नहीं प्रॉपर ठीक और आवाज का भी इश्यू है काफी। चलें गुजारा करें, चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं है, चलें गुजारा करें उसका। वन ऑफ द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ लेसन प्लान इज टू गेट अटेंशन प्रीवियस नॉलेज रेडीनेस नन। तो अटेंशन जो है वो पर्पस होता है इंट्रोडक्शन पार्ट का, ठीक है? इंट्रोडक्शन में
हम बेसिकली स्टूडेंट की अटेंशन लेना चाह रहे होते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन प्लान से रिलेटेड हैं दोनों क्वेश्चन। अ टीचर टीचिंग टेक्निक ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन द क्लास इज़ टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन। टीचर जो क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है? स्टूडेंट की अटेंशन को अट्रैक्ट करना। मैंने कल भी आप लोगों को शायद लाइव सेशन में रिकॉर्डिंग के बाद बताया था कि मेरी कोशिश ये है कि मैं वो चीज़ इस टाइम करूँ जिसका आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो भाई वो सब्जेक्टिव की एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी मेरे इतने फुल लेंथ लेक्चर पढ़े हैं, आप उनको सुन लें अगर आपके पास टाइम है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो पास्ट पेपर हैं या जो MCQs फाइल्स हैं उन पर मेरी कोई लाइव सेशन है ना वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो क्यों ना उन चीज़ों पर मैं फोकस करूँ। अब जिसके पास टाइम है वो सुन सकता है, फुल लेंथ लेक्चर ले। दिन में अगर आप 3 लेक्चर भी सुनना चाहें तो ईजिली आप सुन सकते हैं, ठीक है? तो आप फुल लेंथ लेक्चर सुने, आराम से सुने। तो क्विक रिव्यू इंशाल्लाह ताला ये सारे चैप्टर का रोज़ाना ही हो रहा है MCQs की शक्ल में, तो मैं ये कराऊंगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर नॉट परफॉर्मिंग इन द क्लास द टीचर शुड। अब देखें, क्लास में मेजॉरिटी बच्चे जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑप्शन है, प्लान मैनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रिपेयर मैनी वर्कशीट, शो मैनी फिल्म स्ट्रिप्स। तो आप देखें कि बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो है ना वो नहीं सीख पा रहे, समझ पा रहे। तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है कि उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है, ये यानी कि एक्टिविटी मेथड, लर्निंग बाय डूइंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ आना चाहिए ताकि बच्चे खुद परफॉर्म करें। तो साफ ज़रा उसमें वो इंगेज भी होंगे, सीखेंगे भी ज़्यादा। तो ऑप्शन ए वाज़ करेक्ट। इन विच ऑफ़ द टीचिंग मेथड स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर। ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट आर पैसिव, या इस तरह से स्टेटमेंट को मोल्ड करके बात वही पूछी जाती है कि किस मेथड के अंदर स्टूडेंट पैसिव होते हैं। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट पैसिव होते हैं। लेक्चर मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, और प्रोग्राम लर्निंग हो गई, रेसिटेशन मेथड हो गया, तो इसमें बच्चे पैसिव होते हैं। विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ द टीचिंग। इन दोनों में एक्टिव होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट और डिस्कवरी में। अच्छा, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर। अब टीचिंग जो है ना, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड सब्जेक्ट मैटर। टीचिंग मेथड नहीं होता, ठीक है, टीचिंग मेथड कोई कंपोनेंट नहीं है ट्रायंगुलर प्रोसेस का। तो ये इसका दुरुस्त जवाब बनता है यहाँ। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस सम टाइम हाई एंड सम टाइम लो। टीचर को अपनी आवाज़ क्लास में कैसी रखनी चाहिए? कभी ऊंची और कभी लो, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। अ टीचर डेवलप टीचिंग स्किल्स रेफर टू, यानी वो ऐसी एक, हम इसके इसको हम बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, टीचर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और टीचर एजुकेशन भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो टीचर ट्रेनिंग भी है और डेवलपमेंट भी है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ओरिएंटेशन, एक होती है, 3 चीज़ें, एक ओरिएंटेशन, एक डेवलपमेंट और एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग याद रखिएगा, आप जैसे आप SST इंशाल्लाह ताला सेलेक्ट होंगी सारी, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आपने जाके टीचिंग करनी है। आपको 2 वीक्स की, 4 वीक्स की, 1 माह या 2 माह की पहले इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे। अब जब आप अपनी जॉब पे होंगे ना, तो सिलेबस चेंज हो रहा है, तो उस वक़्त आपको क्या किया जाएगा, फिर एक तरह से ट्रेन किया जाएगा, वो आपकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो फिर एक होती है ओरिएंटेशन। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? ट्रेनिंग होती है कि करंट जो आपकी जॉब है ना, करंट जो आपकी परफॉर्मेंस है, टास्क है, वो आपने कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर जब किया जाता है तो दैट इज़ नाउन एज ट्रेनिंग, ठीक है। और अगर फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए आपको एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है तो दैट इज़ नाउन एज डेवलपमेंट, ठीक है। और ओरिएंटेशन क्या है? किसी भी नई जगह पे जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है तो उस पूरे सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, दैट इंट्रोडक्शन इज़ नाउन एज ओरिएंटेशन, क्लियर? तो ये सवाल कभी भी आ जाए। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या होता है? टीचर एजुकेशन होता है। क्या नाम होता है? टीचर एजुकेशन। तो अ टीचर डेवलप्स टीचिंग स्किल्स, एक टीचर अपनी टीचिंग स्किल्स डेवलप करता है कैसे? टीचर ट्रेनिंग से या टीचर एजुकेशन से करता है। द वर्ड मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड मैनेजर, जिसका मतलब क्या होता है? टू हैंडल आर टू मैनेज। ये इटालियन वर्ड है मैनेजर, जिसका मतलब क्या होता है?
टू हैंडल आर टू मैनेज। एडमिनिस्ट्रेशन एक लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर से निकला है जिसका मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर। तो इन दोनों के एब्रीवेशन सॉरी ओरिजिन और मीनिंग याद रखेंगे। इन आवर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। जो डिप्टी कंट्रोलर होता है एग्जाम्स का बोर्ड्स के अंदर, तो वो क्या करता है, एग्जाम सेंटर आइडेंटिफाई करता है अपने बोर्ड के अंदर। द इफेक्टिव स्कूल इन्वायरमेंट इज मोस्टली अफेक्टेड बाय। स्कूल का इन्वायरमेंट इफेक्टिव कब होगा, एम्पावरिंग स्टाफ, मीटिंग पीपल नीड्स, नन फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट से। स्कूल के फ्रेंडली इन्वायरमेंट को कंडूसिव इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर सवाल पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, या एक स्टेटमेंट होती है कि स्कूल इन्वायरमेंट इज़ फ्रेंडली एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्कूल इन्वायरमेंट इज़ इंक्लूसिव, तो इस तरह की स्टेटमेंट अगर सवाल में कहीं आ जाती है तो उसका मतलब क्या होगा, फ्रेंडली या फिर कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जी सॉरी, इसमें सर डी के अलावा ये तीनों ही ठीक लग रहे हैं, इफेक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। मैंने क्या कहा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट या फिर कंडूसिव होता है, नहीं समझ लगी आपको? एम्पावरिंग स्टाफ का मतलब क्या होता है कि आप उनको अख्तियार दे दें, जो मर्जी वो कर लें, ये ठीक होगी बात जी, बच्चों को सजा दे दें, अपनी मर्जी से वो बाहर ले जाएं, बाहर बिठाएं, क्लास के अंदर पढ़ाएं, बाहर बिठा के पढ़ाएं, अपनी मर्जी के मेथड से पढ़ाएं, बच्चों की नीड्स को इग्नोर करें, एम्पावरिंग स्टाफ का मतलब ये है, तो इससे माहौल अच्छा होगा स्कूल का। जी सवाल है आपसे। नहीं नहीं सर, मैं अच्छा चलें, मेरे जहन में स्टाफ ऐसे आ रहा था कि यानी अपनी मर्जी से एक्टिविटीज कराएं, अपनी मर्जी से, मैं इस तरह Which is not the type of communication channel. Listening, speaking, reading, writing, ये चार communication skills होती हैं, ठीक है। और इनका correct sequence क्या होता है, listening, speaking, reading, writing. Listening से 45% आप time devote करते हैं listening को, और speaking को 30% आप करते हैं, और जो होती है उसके बाद listening, speaking, reading को, रीडिंग को आप करते हैं 16% 16%, और 9% आप करते हैं राइटिंग को। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इनका करेक्ट सीक्वेंस होता है, ठीक है। लिसनिंग और जो है ना वो रीडिंग को लिसनिंग और रीडिंग, इन दोनों को पैसिव स्किल्स कहा जाता है, इनको पैसिव स्किल बोला जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। और जो राइटिंग और स्पीकिंग है, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इन दोनों को एक्टिव स्किल्स बोला जाता है, इन दोनों को क्या बोला जाता है, एक्टिव स्किल्स। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अ नेशनल बजट, एक कोई भी बजट होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं किसी भी बजट के, तो नेशनल बजट के भी यही दो पार्ट्स होंगे। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want to do and seeing that they do it in the best at cheap and cheapest way. Who said this? Frederick Taylor. अच्छा, एक है साइंटिफिक थीरी और एक है मैनेजमेंट थीरी और एक ऑपरेशनल, टेलर ने कौन सी थीरी दी थी इन दोनों में से? शाबाश, साइंटिफिक, हाँ जी, और दूसरी जो है वो फिर हेनरी फ्योल की है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट। द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूड, ह्यूमन एलिमेंट्स मैनेजमेंट में के कौन कौन से हैं, टीचर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये आल ही इसके अंदर आ जाएंगे, बच्चे भी आएंगे, दूसरे एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, पेरेंट्स भी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो है ना वो उनको भी सेटिस्फाई करने होते हैं, और इसमें स्कूल काउंसिल के भी मेंबर होते हैं, तो ये सारे आएंगे। द मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट्स इंक्लूड मनी, बिल्डिंग, मेंटेनेंस, ह्यूमन एंड इक्विपमेंट, तो इसमें ह्यूमन खैर नहीं आना चाहिए, तो इक्विपमेंट की हद तक, लेकिन चूँकि इक्विपमेंट भी है, बिल्डिंग एंड मनी, ये सारे के सारे मटीरियल एलिमेंट हैं, तो इसलिए हम क्या इसको कहते हैं, ऑल, इसका भी ये इसमें शामिल है।
मटेरियल एलिमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिनी एज ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज में। ह्यूमन में आपके बच्चे, आपके टीचर, आपके एम्प्लॉयज, ये सब सब आ जाते हैं, स्कूल काउंसिल के मेंबर्स। और मटेरियल में स्कूल की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी जितनी आप गिन सकते हैं उसके अंदर। नॉन ह्यूमन जो कुछ है, स्कूल की बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग, वॉशरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, ऑफिसेज, अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जो कुछ भी स्कूल कैंटीन है, जो कुछ भी है, पैसे हैं स्कूल की, कोई डेस्क बेंच है, तो ये मटेरियल है स्कूल के। ये दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ असेसमेंट का दूसरा नाम सेल्फ अप्रेजल है। असेसमेंट को अप्रेजल कहते हैं, ये बताया कई दफ़ा। तो प्रमोट स्टूडेंट अथॉरिटी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। जब आप अपनी असेसमेंट खुद करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है, और आपकी जो कह लेंगे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप होंगी। जब आप अपनी असेसमेंट खुद करते रहेंगे, ये चीज़ मेरी ठीक है, ये मेरी गलत है, तो इससे आपकी अपनी प्रमोशन होती है इंटेलेक्चुअली। एन असेसमेंट दैट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट इज़ नाउन एज, ये आपको पता है कौन सी होती है जी? ये हाँ जी, नॉर्म रेफरेंस। अ टीचर कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट विद अ वैरायटी ऑफ इट्स विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स लाइक शॉर्ट आंसर एंड ऐसे क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस एप्टीट्यूड? ठीक है, एप्टीट्यूड आपको पता है कि किसी बच्चे की फ्यूचर एबिलिटी को जो है वो चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि टीचर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज़ कर रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो माइक ऑफ रखें, इसका फ़ायदा ये होगा कि वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो लर्निंग है उनको मैयर कर सकेगा टीचर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लर्निंग है उसको मैयर कर सकने के काबिल होगा जब उसके टाइप्स ऑफ टेस्ट डिफरेंट होंगे। अच्छा, एक ऐसा टेस्ट जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ऐसे भी हैं, तो इसको कौन सी टाइप ऑफ टेस्ट कहेंगे, नाम क्या होगा? मिक्स टेस्ट, कंबाइन टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट? जी मिक्स टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट। और कोई? मिक्स टेस्ट। हाँ, अब ये फायदा हुआ है आपको जो है ना, ये फायदा हुआ है आप लोगों को क्विक रिव्यू देने का। ये बात मैंने क्विक रिव्यू में बताई थी कि ऐसा टेस्ट जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हो उसको हम कंबाइंड टेस्ट बोलते हैं। कहीं मैंने वर्ड मिक्स टेस्ट या इंटीग्रेटेड नहीं बोला। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ का ज़्यादा फ़ायदा इस टाइम। ठीक है, इट कैटर्स टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। तो मिक्स टेस्ट होता है भाई, तवज्जो से सुना करें, रिवाइज किया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। अब देखें, सैट, स्कूल असेसमेंट टेस्ट टीचर जो लेता है, क्लास क्वीज, ये स्टैंडर्डाइज कौन से होते हैं? टीचर मेड। आईक्यू टेस्ट एक्सपर्ट्स का बना टेस्ट होता है। ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ये भी मैंने बताया असेसमेंट के चैप्टर पार्ट वन के क्विक रिव्यू के अंदर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की क्वालिटी में, कि एक्सपर्ट बनाते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज को टीचर मेड टेस्ट कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को एक्सपर्टली डिज़ाइन टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये आईक्यू स्कोर जैसे अल्फर्ड बिनेट का है, जैसे वेस्लर का आईक्यू टेस्ट है, तो ये सोलोसोन टेस्ट है। तो ये आईक्यू टेस्ट जो है वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं और ये स्टैंडर्डाइज होता है। व्हेन ग्रेडिंग ऑब्जेक्टिव आइटम्स लाइक सब्जेक्टिव आइटम्स लाइक ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन चैलेंज फॉर द टीचर्स? मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड सिमेट्री। यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद फिर कभी जिक्र में ना लाया जा सके, उसको समझिएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती। किसी को मेरे इस जुमलों की चार लाइनों की समझ लगी है तो एक्सप्लेन कर सकता है, कर सकती है? जी जी सर, सर हाँ करें। बायसनेस नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में बायसनेस होगा। हाँ,
वेरी गुड, यही बात मैं कहना चाह रहा था। अगर हाँ, अब अगर सवाल आ जाए पेपर के अंदर, अब यहाँ पे इन्होंने चैलेंज की बात की है, ठीक है, तो चैलेंज का मतलब डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी है किस चीज़ के अंदर, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। इसको याद रखिएगा, जिनको समझ नहीं लगी मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ना, उसमें उसकी अपनी मनमानी शामिल नहीं होती, उसकी लाइकनेस डिसलाइकनेस नहीं आ सकती, यानी एक उस किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो उसको ज़्यादा नंबर दे दो, ये सब्जेक्टिव पेपर के अंदर हो सकता है। तो जो मेन पर्पस था टेस्ट का वो तो फोर्थ हो रहा है ना, कि टीचर अपनी मर्जी से किसी को नंबर कम या ज़्यादा दे रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव जो था वो तो गया, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी होती है, यानी मल्टीपल एस्पेक्ट से टीचर चेक करता है, एक एस्पेक्ट से नहीं करता, ठीक है, वो अपनी मर्जी भी उसमें शामिल हो सकती है। जबकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट सिंगल पहलू से देखे जाते हैं, ठीक है, तो नंबर पूरे, गलत है तो नंबर नहीं मिलेंगे, आधा अधूरा नंबर नहीं होगा, या पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात ही ख़त्म, ये बात है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होलिस्टिक रूब्रिक, ये तो मैंने आपको जो है वो परसों पढ़ाया, होलिस्टिक रूब्रिक कौन सी रूब्रिक होती है दैट असाइन, जो हर टेस्ट के लिए, जो हम हर टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अ रूब्रिक दैट असाइन एन ओवरऑल स्केल बेस्ड ऑन सेवरल इंप्रेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। अब देखें, ऐसी एक हमने पढ़ी थी पहले, तीन टाइप्स इसकी मैंने आपको पढ़ाई थी ना रूब्रिक्स की, तो किसी को नाम याद है टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स के? एनालिटिकल रूब्रिक, और कौन सी थी? जनरल रूब्रिक की एक नहीं और है, एक और। एनालिटिकल थी, और वो थी एक्सपेरिमेंटल टाइप की थी, और एक थी होलिस्टिक रूब्रिक। तो अब जो होलिस्टिक होती है ना, ये ओवरऑल होती है, ये नहीं जनरल होती है, ठीक है, सेवरल सब्जेक्ट्स के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो होती है ना एनालिटिकल, तो एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, जो है लोगों की जो ओपिनियंस हैं उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना जी। तो अ रूब्रिक दैट इज दैट असाइन एन सर ओवरऑल स्कोर बेस्ड ऑन द सेवरल इंप्रेशन, जी, इसको होलिस्टिक रूब्रिक कहा जाता है। जी जी डेवलपमेंटल जी रूब्रिक एक टाइप ऑफ रूब्रिक है, डेवलपमेंटल रूब्रिक। सर ये काइंडली थोड़ा बताइएगा। मैंने उसमें बताया था 2 दिन पहले भी, इसको एक्सप्लेन किया, अभी भी मैंने बताया तो सुन लिया करें ना। मैंने कहा है कि जो होलिस्टिक है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्टिक सब्जेक्ट के लिए होती है, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है हाइपर जनरल, और एक होती है एनालिटिकल हाइपर जनरल, और तीसरी क्या मैंने बताई है, टास्क स्पेसिफिक और स्किल वो फोकस्ड। तो इसकी सब टाइप है ना होलिस्टिक की। मेंटल बताएंगे में हेल्पर हाँ, जनरल की होलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल जो और एनालिटिकल, ये हाँ तीन ही हो सकते हैं। हाँ जो एनालिटिकल में आप जो है वो लोगों की ओपिनियंस को देखते हैं कि लोगों के इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, ठीक है। तो जो होलिस्टिक है उसमें आप ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल में आप उसके जवाब के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स को फोकस करते हैं कि उसकी जवाब में ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि पारा चनार का ये जो वाकया हुआ है तो उसमें कितने मासूम शहीद हुए हैं, ठीक है, कितने मुसलमानों ने कितने मुसलमानों को ज़बह किया है, तो ये किस दिन ये वाकया पेश आया है, ठीक है, किस मकाम पे पेश आया है, कितने घंटे वहाँ पे फायरिंग जारी रही है, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें उसके जवाब के अंदर अगर मौजूद हैं, बच्चे के जवाब के अंदर, तो उनको देखना, ये एनालिटिकल। और जनरल अगर पूछा जाए कि पारा चनार हादसे की वजूहात क्या हैं, तो वो फिर क्या होगा, होलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल रूब्रिक्स की बात हो जाएगी, ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा आपका कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इन विच स्टेज ऑफ द असेसमेंट साइकिल एजुकेटर सेट स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टूडेंट, किस स्टेप के अंदर, ठीक है, हमने प्लानिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट फेज तीन पढ़े हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किस फेज के अंदर, किस साइकिल ऑफ असेसमेंट के अंदर टीचर क्या करता है, अपने गोल या ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई करता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लानिंग फेज के अंदर करता है,
24 क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ कॉग्निटिव प्रोसेस अंडर ब्लूम टैक्सोनॉमी। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, ये सारे ही हैं कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं। ये जो पेपर थे ना लेक्चरर के जितने भी थे, इनका जो कोर्स है उसमें जो चीज़ें शामिल थी मैं बता देता हूँ। एक तो टीचिंग मेथड्स शामिल थे, ब्लूम टैक्सोनॉमी शामिल थी, असेसमेंट इन एजुकेशन शामिल थी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग शामिल थी, और कौन सा चैप्टर था, बस ये चीज़ें शामिल थी इनके अंदर, साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये इन एरियाज से ये पेपर बनाए गए हैं, ये जितने भी हम लेक्चर के कल 3 देखे थे, आज 2 देखेंगे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव प्रोसेस। फिलॉसफी के क्वेश्चन रिसर्च में, हाँ फिलॉसफी की तो मैंने बताया कि सिलेबस में नहीं है ना, आपने दिया है। कैसा हुआ था पेपर आपका? लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ था, मेरा बेसिक तो इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा था ना, तो वो उन्होंने बताया हुआ था 16 सेंचुरी से आपने 20 सेंचुरी तक वो तैयार करना है सारा। मैं पेडागोजी का पूछ रहा हूँ, पेडागोजी का बताया। इसमें से जो उन्होंने दिया था ना वही बताने लगी हूँ, इसमें से जो उन्होंने दिया था ना, मैं पैटर्न दिया था कि इस हिसाब से आएगा, वो उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन आए थे। मेरा अच्छा नहीं था हुआ इसमें पेडागोजी में, मुझे तैयार नहीं था। चले, और जो लिटरेचर का हिस्सा था वो सारी मैंने प्राइमर दे दी थी, उसमें लिटरेचर के सिर्फ 2-3 सवाल थे बस। चले जी, गुड लक। अच्छा, ये जो फिलोसफी जो इन्होंने फिलोसफी का पेपर है ना, सॉरी टीजीपी के पेपर, फिलोसफी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं करवाऊंगा। जिन ग्रुप्स का कोर्स मुकम्मल हो चुका है उन्होंने पढ़ा है फिलोसफी को, जिनका मुकम्मल नहीं हुआ तो उनको भी फिलोसफी हम करा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने लेवल होते हैं? 6 होते हैं। अब देखें यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन का नहीं पूछा गया। जी सर, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, अभी जितने भी पेपर हुए हैं अगस्त में सर, जितने भी हुए सब में जो पेडागोजी थी वो सब ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही बार बार रिपीट हो रही थी। देखे मेरी बात सुने, जो आपका है ना टीजीटी जनरल का पेपर, उसमें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं था, बट टीजीटी जो सब्जेक्ट वाइज था उसके अंदर उसमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड असेसमेंट शामिल थे, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ से पेपर आना था ज़्यादातर। तो ये इसलिए वहाँ से पेपर आए हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा थी चीज़ें। जो लेक्चरर का पेपर था उसमें तो 40% आपकी पैडागोजी थी, टीजीटी के पेपर में 30% थी। उसमें जो चैप्टर थे वो थे ही टोटल 4, टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट इन एजुकेशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो साफ ज़ाहिर है फिर 30 नंबर उसमें से चौथाई हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही आने थे, इसलिए आ रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हैज़ लेवल, इसके कितने लेवल होते हैं? अब यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव, साइकोमोटर नहीं पूछा गया क्योंकि सबसे पहले जब ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की गई थी तो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के साथ प्रेजेंट की गई थी, और उसके लेवल कितने थे भाई? ओनली 6। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सवाल अगर इस तरह आ भी जाए तो समझना है, अगर सिर्फ ब्लूम का पूछा जाए या कॉग्निटिव का पूछा जाए तो एक ही बात पूछी जा रही है। द लोएस्ट लेवल नॉलेज होता है, हाईएस्ट लेवल आपको पता है वैल्यूएशन होता है। 26, 28 है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियाज, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को, ये कंप्रीहेंशन होती है। 29 है द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड द स्किल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एप्लीकेशन कहलाएगा। 30 है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इंफॉर्मेशन इनटू सब पार्ट्स, ये एनालिसिस कहलाएगा। ये हाईलाइट नहीं हुआ तो ये एनालिसिस कहलाएगा। आगे है जी नेक्स्ट पेपर, ये FGEI, जो फेडरल, इसको क्या, इसका एब्रीवेशन क्या होता है पता नहीं, मेरे जहन से निकल गया। ये भी पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ इसी साल ही, तो इसमें भी पैडागोजी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसको भी हम देखने जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था, विच थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन प्ले, सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। वाइगोस्की की थीरी है, तो जो उसका जो टाइटल है वो है सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग थीरी। ठीक है, तो उसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है वाइगोस्की की थीरी का? उसका फोकस 2 चीज़ों के ऊपर है, एक प्ले और दूसरा लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, प्ले और लैंग्वेज के ऊपर, यानी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन एंड जो लैंग्वेज है, इन 2 चीज़ों पे वाइगोस्की की थीरी का फोकस है, सोशियो कल्चरल लर्निंग थीरी बाय ली वाइगोस्की।
तो ये सवाल पहले भी एफपीएससी ने पूछा था एक दफ़ा। व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन? कौन सी इंस्ट्रक्शनल मेथड, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी, ये सिनोनिम समझिएगा जब पेपर में इस तरह की बात आए। तो कौन सी है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को और कंक्लूजन खुद ड्रा करते हैं, इंक्वायरी बेस से ड्रा करते हैं, ठीक है? इंक्वायरी बेस में वो क्या करते हैं, स्टूडेंट एनालिसिस भी करते हैं इन्फॉर्मेशन का और कंक्लूजन का को ड्रा भी करते हैं। थ्री है, द नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन द लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट आर नाउन एज बेंच मार्क्स, कॉन्टेंट ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल एक्सपेक्टेशन। ये हमने बात की थी कि जो नेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं इनको हम एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको पढ़ाया, स्टैंड, स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी, स्टैंड कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड और बेंच मार्क और SLOs, ये चार चीज़ें भी मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि नेशनल स्टैंडर्ड जो कि आउटलाइन करते हैं लर्निंग एक्सपेक्टेशंस को। तो अब यहाँ पे अगर बात डेवलपमेंटल लेवल की होती तो फिर हम बेंचमार्क की तरफ जाते, लेकिन सिर्फ नेशनल स्टैंडर्ड की बात है तो ये क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है? लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये क्लासरूम लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है? नेशनल लेवल की नहीं होती। तो इन दोनों में से अगर आप सोचें तो फिर हम ऑप्शन सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न नहीं की गई, जनरल बात की गई है, ठीक है? अगर यहाँ पे होता कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल पे, 1 to 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो ये फाइव डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये मैंने उस दिन बताया भी था। फोर है, विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट इंटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट अ टास्क? तीन या चार बच्चों का के ग्रुप बनाए जाते हैं, पूरी क्लास को इनके अंदर डिवाइड किया जाता है और ये बच्चे मिल के अपना लर्निंग टास्क मुकम्मल करते हैं। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू, मैंने उस दिन भी बताया था कि क्लासरूम मैनेजमेंट में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है, लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है? टू क्रिएट सेफ, पॉजिटिव एंड कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का फोकस होता है, ठीक है? विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑन गोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग? ऑन गोइंग, जो एक चीज़ हो रही है, अंडर प्रोसेस है, ड्यूरिंग है, तो उसके लिए हम कौन सी असेसमेंट यूज़ करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। लर्निंग डिफ़िकल्टीज, मेडिकल रीज़न के लिए डायग्नोस्टिक हम करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी एक परफॉर्मेंस को दूसरी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है, इप्सेटिव असेसमेंट होती है। एट द एंड जो सर्टिफाइंग जजमेंट होती है, जो एट द एंड ऑफ द कोर्स या पीरियड की जाती है, उसको समेटिव असेसमेंट बोला जाता है, ठीक हो गया जी? सेवन है, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंड इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल? दो डेफिनेशंस हैं, तीन बल्कि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जा सकती हैं। एक फ्लिप्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, ब्लेंडेड लर्निंग और इंक्लूसिव लर्निंग। तो जो ब्लेंडेड होती है ना, इसमें ये ब्लेंडेड की डेफिनेशन पूछी गई है कि फिज़िकल क्लासेस भी हो रही हैं और ऑनलाइन। अब जिस रूम में, अपने रूम में, मैं अपने घर में बैठा हूँ तो 10 15 20 स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे बैठी लाइव सुन रही, सॉरी फिज़िकली फेस टू फेस, 1 to 1 मुझे सुन रही होती हैं और आप लोगों को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता। तो अब ये क्या हो जाता, कंबाइन, फिज़िकल प्लस ऑनलाइन क्लासेस, मेरा लेक्चर कंबाइन हो जाता, तो इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है? अच्छा, अब इसमें इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव से क्या मुराद है कि हमारे, अब देखिए ये जो सीट्स आई हैं इसमें डिसेबिलिटी कोटा भी था, तो वो कैंडिडेट्स जो डिसेबल हों उनको भी हम अपनी क्लास में एज इट इज़ शामिल कर दें। और हमारी क्लास में एक स्टूडेंट हैं जो जिनका आई साइट का इशू है, जो देख नहीं सकती, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। वो लेक्चर सुनती है मेरे, मैं भी, वो ऑनलाइन भी बैठी हूँ तो मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा उनको। तो इस तरह वो बच्चे जिनको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लिमिटेशंस हैं देखने में, सुनने में,
तो वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ जब क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं सेम टीचर से सेम वे में, दैट इज़ नाउन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल और स्पेशल बच्चे सेम क्लासरूम में सेम टीचर से सेम इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव लर्निंग। अब है फ्लिप्ड लर्निंग या फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या करते हैं, टीचर सारे का सारा काम बच्चों को ऑनलाइन करवाता है, ठीक है, रीडिंग टास्क हो गया, कोई असाइनमेंट देनी है, कोई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो माइन्यूट लेवल के हैं वो ऑनलाइन देगा। बच्चे क्लास में सिर्फ उस वक्त आएंगे स्कूल में, ठीक है, जब उनको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ऐसा मसला जो उन्होंने कोई एक्टिविटी करनी है स्कूल में फिज़िकली आके, या टीचर से कुछ एक्टिवली कुछ कोई कन्वर्सेशन करनी है, तो वो फिर स्कूल में आके करेंगे। मेजॉरिटी वर्क उनका कहाँ पे होता है, घर में बैठ के, इसको कहते हैं फ्लिप। तो ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। विच पैडागोजिकल अप्रोच एम्फेसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स? सोशियो इमोशनल लर्निंग, सोशल इमोशनल लर्निंग या सोशियो इमोशनल लर्निंग। इसमें बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होती है प्लस उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है जी। क्वेश्चन नंबर आगे 9 है, व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एट होम। अब ये देखें, फ्लिप्ड क्लासरूम की अभी हम बात कर रहे थे कि एक सेकेंड, टीचर स्पेंड मोस्ट ऑफ द क्लास टाइम ग्रेडिंग पेपर, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लास एंड होमवर्क, स्टूडेंट कम्प्लीट्स आर वर्क इन क्लास होम अंडर टीचर। हाँ, इन अवेलेबल ऑप्शन में ये बेस्ट है, लेकिन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना कि फ्लिप्ड क्या होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं। वो क्लास में सिर्फ टीचर से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आते। ये इसका जो थीम होता है, जो डेफिनेशन है, वो यही होती है कि टास्क सारे के सारे बच्चों को घर में ही दी जाती है, जैसे रीडिंग टास्क है, ठीक है, कोई कोई उन्होंने कोई एक्टिविटी करनी है तो वो उधर ही करेंगे। अब क्लास में कब आएंगे, जब उनकी समझ से काम बाहर होगा, ठीक है, तो टीचर वो चीज़ें जो ऑनलाइन नहीं हो सकती वो क्लास में प्रोवाइड फिर उनको करता है, ये फ्लिप्ड होता है। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू, अब प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट कहाँ पे इंगेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स में। अब प्रोजेक्ट में ऑब्वियस ही बात है कि स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं टॉपिक को। मिसाल के तौर पर प्लांट जर्मिनेशन है तो बच्चों को सिखाना है कि पौधों से बीज से पौधा कैसे बनता है, तो वो जी हर एक बच्चे ने, ग्रुप ने तीन तीन चार चार सीड्स जो है ना वो सो किए हुए हैं सॉइल के अंदर, या कोई छोटी प्लास्टिक के बॉक्स लेके उनके उनको क्लास में रखा हुआ है, तो वो तीन चार पाँच दिन ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, कि बजाय इसके कि टीचर बताए कि पहले जड़ निकलती है कि तना निकलता है, पत्ता निकलती है कि रूट हेयर निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उनके सारे प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होंगे। तो एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। ये 10 क्वेश्चन थे जी। उसके बाद ये लेक्चर उर्दू का है, पैडागोजी पोर्शन, तो ये हम कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद आई थिंक सो कि हमारे दो फुल पेपर रह जाएंगे। 2018 के दो पेपर मेरे पास एसएसटी के दो पेपर हैं जो हम इंशाल्लाह ताला एक कल करेंगे एक परसों करेंगे। उसके बाद फिर हम एक वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज, उसके सारे पेपर सारे क्वेश्चन जो है वो सेव हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे, डेली एक चैप्टर किया करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचर बिफोर टीचिंग कौन सा होता है, ठीक है, अवेलेबल ऑप्शन में कोई भी दुरुस्त नहीं था, नन था। ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, इसमें था ही शुड आंसर, लेसन शुड बी रेड बाय अ स्टूडेंट, ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन। पहले वो उसको नहीं ऐसे नहीं होने, उसको इंट्रोडक्शन या मेन ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हो सकता है या मेन ऑब्जेक्टिव, इनमें से जवाब दुरुस्त हो सकता था, तो नन वाज करेक्ट। लेसन प्लान सर्व डिफरेंट पर्पसेस, लेसन प्लान के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिकल टीचिंग इससे पॉसिबल होती है, सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट और टीचर कैन स्टिक टू हिज कॉन्टेंट, ये तीनों नोट्स के अंदर भी एज इट इज़ मौजूद हैं, बुक में भी होंगे, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका जवाब है।
क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट सुटेबल बिफोर इंक्लूडिंग अ लेसन। तो बिफोर यहाँ पे आई थिंक कंक्लूडिंग अ लेसन होना चाहिए, इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए था, तो इसको शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो इसको कंक्लूडिंग से पढ़िएगा। तो यहाँ पे स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा क्या करूँ फिर मैं? हो रही है। नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो डिस्प्ले कर रहा हूँ भाई। हो रही है। अच्छा चले, तो आप अपना पेपर ओपन कर ले व्हाट्सएप में। शुक्र है आपने इनको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट सुटेबल बिफोर कंक्लूडिंग अ लेसन। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग जो है वो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए लेसन को कंक्लूड करने से पहले आप बच्चों से सवाल जवाब करें। अच्छा, बिफोर कंक्लूडिंग अ लेसन, तो इस वक्त जो सवाल होंगे वो समेटिव असेसमेंट होगी, फॉर्मेटिव होगी, प्लेसमेंट होगी? शाबाश, जी Placement. और अगर यहाँ पे मैं कहता आफ्टर, अगर अगर मैं कहता आफ्टर कंक्लूडिंग अ लेसन, तो फिर समेटिव। ओके जिनको, ओके माशाल्लाह वेरी गुड। ओके फॉर्मेटिव नहीं भाई, आखिर पे कहाँ फॉर्मेटिव होती है, समेटिव जिनको स्लाइड में इंक्लूडिंग भी पढ़ा। हाँ इंक्लूडिंग, अगर आप इंक्लूडिंग अ लेसन या हाँ अच्छा, अगर जो है जिनकी जिनका ये स्लाइड का इशू था वो एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो हो जाएगी शो। टीचर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। बच्चे का पहला काम, सॉरी टीचर का पहला काम क्या होता है, बच्चे को अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड्स इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जोहन डेवी कॉल्ड अ स्कूल, जोहन डेवी ने स्कूल को क्या कहा? सोशल फिलोसफिकल, सोशल इंस्टीट्यूट, फिलोसफिकल एंड फिलोसॉफिकल, यानी फिलोसफिकल को दो दफ़ा कहा है उसने, सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल कहा है, सोशल या इंस्टीट्यूट का है। उसने कहा था सोशल, सोशल स्कूल जो है ना एक सोशल एंड सोशल प्रोसेस है। ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पे जवाब में नहीं था ये, तो नन वाज करेक्ट। सक्सेस, अब देखें बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी नन था और यहाँ पर भी नन, तो बड़ा गौर से पढ़ना है ठीक है स्टेटमेंट्स को। सक्सेस डेवलपिंग वैल्यूज, हाँ जी नन वाले करते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ कि जिसका आपको, अब जैसे इसका क्लियर आपको पता है, मैंने मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ा दिया है, अल्लाह करे ये पेपर बनाने वाला इस सवाल को शामिल कर ले और ये ऑप्शन में ना हो सोशल एंड सोशल, तो फिर तो आपको नहीं सोचना चाहिए ना, जो पढ़ी हुई चीज़ है उस पे तो नहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत, अगर पता कंफर्म है। हाँ अगर उस वक्त आपको भूल जाए वो फिलोसफिकल फिलोसफिकल तो नहीं था, तो इस तरह तो फिर तो कंफ्यूजन होगी। सक्सेस डेवलपिंग वैल्यूज़ मेनली डिपेंड्स अपॉन, वैल्यूज़ डिपेंड बनाने में किसका किरदार होता है सबसे ज़्यादा, तो टीचर का होता है। ठीक है, वालदैन के पास तो टाइम ही नहीं होता। सोसाइटी शुड पार्टिसिपेट इन चाइल्ड एजुकेशन टू मोबालाइज एडिशनल रिसोर्सेज। सोसाइटी को क्या करना चाहिए, टीचर्स बच्चे की एजुकेशन में स्कूल्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि एडिशनल रिसोर्सेज जो है ना उनको मोबालाइज किया जा सके बच्चे को, स्कूल को फैसिलिटेट करके। पेरेंट टीचर रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कोहेरेंट होल टू एक्सपेडाइट पेरेंट और टीचिंग, PTM स्टैंड्स फॉर, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग, या बाज़ोकात यूँ भी हो सकता है PTC पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो पेरेंट टीचर का रिलेशनशिप क्या करता है, स्टूडेंट लर्निंग को एक्सपेडाइट करता है, जितना उनका आपस में लिंक ज़्यादा होगा उतनी बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन इन टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट आर, टेक्नोक्रेट क्या होते हैं, वो उनका रूल जो बन गया है वो फुल एंड फाइनल है बगैर किसी हीले बहाने के, ठीक है, बगैर किसी एक्सक्यूज़ के वो काम करवाते हैं। तो रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, यही आपका ऑटोक्रेटिक का होता है। तो इन टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, पर्सनैलिटी, नॉलेज एंड स्किल्स, स्किल्स और नॉलेज के बेस पे होती है। टेक्नोक्रेट से मुराद ये है कि वो मैनेजर होंगे जो स्किलफुल हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टास्क के लिए। टेक्नोक्रेट्स बेसिकली कहा जाता है कि ये जो है ना, जैसे कोई फैक्ट्री होती है ना, तो उसमें जो उसके इंजीनियर्स होते हैं तो उनका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, हर वक्त सक्सेस के ऊपर, कामयाबी के ऊपर, काम लेने के ऊपर। ठीक है, वो दिन को भी काम करते हैं, रात को भी फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं 24 घंटे नॉन स्टॉप।
क्यों? ताकि जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अथॉरिटी हाँ, तो प्रोडक्शन को पर बढ़ाया इसको ब्यूरोक्रेसी में भी ले सकते नहीं, हैं, ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग पर इसको डिफरेंट। नहीं ब्यूरोक्रेसी नहीं ब्यूरोक्रेसी बहुत मुख्तलिफ है। टेक्नोक्रेट से मुराद ये है, आप देखें ब्यूरोक्रेटिक जो मैनेजमेंट है ना, इसमें जो लीडर होते हैं ना, वो मल्टीपल उसकी पोस्टिंग होती है बहुत सारे जगहों पे, और हर जॉब जगह पे उसके हर जॉब में उसको हरफन मौला समझा जाता है। जो टेक्नोक्रेट्स है ना, मिसाल के तौर पर एक बैंकिंग का टेक्नोक्रेट उसको कहा जाएगा जो बैंकिंग का माहिर होगा, उसको बैंकिंग या फाइनेंस फिंगर टिप्स पे आएगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह मेडिसिन का है, एग्रीकल्चर का है, ठीक है, बिजनेस का है, ट्रेड का है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो जो जिस फील्ड का है उस फील्ड का वो ऑल इन ऑल होता है, उसको एक्सपर्ट होता है उसका। तो ये बेसिकली ऐसे एक्सपर्ट लोगों को जब जो है वो निज़ाम दिया जाता है तो उनको टेक्नोक्रेट्स कहा जाता है। तो टेक्नोक्रेटिक मैनेजमेंट में डिसीजन नॉलेज और स्किल की बेस पे होते हैं, पर्सनैलिटी की बेस पे नहीं। द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द पॉलिसीज टू अचीव द इंस्टीट्यूशन गोल्स एंड प्रायोरिटीज इज नाउन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक होती है एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक होती है इंटरनल मैनेजमेंट, एक होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब इंटरनल मैनेजमेंट से क्या मुराद है? स्कूल है तो उसके अंदर से ही उसको मैनेज किया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी उसको मैनेज करने नहीं आ रही। एक्सटर्नल मैनेजमेंट में ये है कि कोई बाहर का बंदा आके उस सिस्टम को मॉनिटर या ऑब्जर्व करता है, मैनेज करता है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म ये है कि आपके जो प्लान्स होंगे वो हफ्तों महीनों के होंगे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है। इसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म होते हैं, तो यहाँ पे जवाब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज बाय ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन एंड फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी। अब आप रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लान्स को एक्शन में बदल रहे हैं, और हर एक को उसके काम का अकाउंटेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। यानी प्लान्स बने, उनको इम्प्लीमेंट किया, और जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे सवाल जवाब हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी, तो ये कंट्रोलिंग का फीचर है। द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। एजुकेशनल मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा काम 20वीं सदी, पिछली सदी के अवायल में, शुरू में हुआ। अंडर द मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। ये इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? टाइम के ऊपर। साइंटिफिक मैनेजमेंट जितनी भी है, इसको क्लासिकल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस साइंटिफिक का दूसरा नाम क्लासिकल है, और इनका ऑपरेशनल का दूसरा नाम मॉडर्न है, याद रखिएगा। तो क्लासिकल मैनेजमेंट जितनी भी हैं तो उनका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? किसी तरह कम टाइम में, कम मोशन से ज़्यादा जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, इसके लिए कौन सा मेथड हमारे पास होना चाहिए? तो टाइम, मोशन, मेथड, ये सारे हम साइंटिफिक या क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टिंग, समटाइम डिसीजन मेकिंग भी ऑप्शन में अगर हो तो आपने उसको टिक कर लेना है। व्हाट इज द मोटिवेटिंग फोर्स इन द मैनेजमेंट? अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट जो है वो डायरेक्टिंग है, और मैनेजमेंट का हार्ट जो है वो प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द मोटिवेटिंग फोर्स इन मैनेजमेंट? कंट्रोल, लीड, डोमिनेंस, नन। तो मोटिवेटर कौन होता है? लीडर को कहा जाता है, वन हु मोटिवेट एंड गाइड्स अदर, तो ये लीडर होता है। 17. हाउ कैन टीचर यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट डाटा टू इन्हांस देयर टीचिंग प्रैक्टिस? बाई आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है, टीचर आइडेंटिफाई करता है बच्चे को यहाँ पे समझ नहीं आ रही, तो फिर वो टीचिंग मेथड को चेंज कर लेता है उसके अकॉर्डिंग। 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमेटिव असेसमेंट? वीकली क्विज, सेल्फ असेसमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट, एंड ऑफ द कोर्स। तो ये आपको पता है कि सबमेटिव फाइनल होती है, एंड पे होती है। 19. वट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव बेस असेसमेंट? टू असेस स्टूडेंट एबिलिटी टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का बच्चों को, यानी वो परफॉर्मेंस देखने के लिए, अब परफॉर्मेंस में यही होते हैं ना कि बच्चे अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड टास्क, रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं।
परफॉर्मेंस का दूसरा नाम ऑथेंटिक असेसमेंट भी होता है। 20 है, विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन। तो मैंने ये डेफिनेशन पढ़ाई थी आप लोगों को, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ द डाटा डिराइव्ड फ्राम या कैलकुलेटेड फ्राम द मेजरमेंट इज़ नाउन एज असेसमेंट। ये असेसमेंट की डेफिनेशन होती है। 21, वट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये भी मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर और फीडबैक, ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग लर्निंग बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उसकी लर्निंग को बेहतर करने के लिए उसको फीडबैक प्रोवाइड करना। मॉनिटर एंड इम्प्रूव लर्निंग इंस्ट्रक्शन। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट। आप इफेक्टिव असेसमेंट में ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, वैलिडिटी हो सकती है, रिलायबिलिटी हो सकती है, यूजेबिलिटी हो सकती है। ये चार मैंने आपको कल भी समझाई थी, लेकिन सब्जेक्टिविटी जो है ना ये नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। हमने क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट पढ़ी थी ना, उसमें सब्जेक्टिविटी कहीं क्वालिटी नहीं पढ़ी। ये एक ड्रॉबैक होता है किसी भी टेस्ट का, आज भी हमने डिस्कस किया इसको। 23, विच टाइप ऑफ असेसमेंट अकर्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पीरियड टू डिटरमिन व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड। तो ये सबमेटिव है, एंड पे होती है जो। इन ब्लूम टैक्सोनॉमी न्यू पर्सपेक्टिव इज एसोसिएटेड विद। न्यू पर्सपेक्टिव से मुराद कुछ, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर सिंथेसाइजिंग समथिंग। तो जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, जो आपसे आपकी जो पहली लर्निंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। Evaluation, comprehension, application तो वही वाली होती है, creating is new one। 25, this is not a psychomotor domain in Bloom taxonomy। mechanism, complex over response, reflection, reflection नहीं होता साफ ज़रे कहीं पे भी psychomotor domain में, ये इसका component नहीं है। तो जो इसके 7 components होते हैं, perception, set, guided response, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, अडॉप्टेशन, ओरिजिनेशन, ये 7 स्टेप्स होते हैं, रिफ्लेक्शन उनमें नहीं है। 26, द कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स आर एग्जिबिटेड एट द स्टेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इस पे जो है वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स बच्चा जो है वो खुद स्किलफुली परफॉर्म करता है। 27, टू हैंडल न्यू सिचुएशन आर डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड ऑन द लेसन लर्नड इज़ अ प्रोसेस ऑफ। न्यू सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं किस बेस पे, जो आपने लेसन पहले लर्न किया है उसकी बेस पे, तो ये क्या कहलाएगा, अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन क्या होता है, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन। और ओरिजिनेशन क्या होगा, जब आप वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो आपको सिखाए भी नहीं गए। डेवलपिंग न्यू पैटर्न ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी आर एट द लेवल ऑफ ओरिजिनेशन। 29, परफॉर्मिंग एक्शन विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एट द लेवल। ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आप करते हैं विदाउट हेल्प। देखें, एक था ना परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पॉन्स, तो उसमें आप किसी की हेल्प लेके करते हैं। बट कम्प्लेक्स ओवर्ट में आप जो है वो क्या करते हैं, विदाउट हेल्प कर लेते हैं और बेहतर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें परफेक्शन कब आती है, मैकेनिज्म में जाके आके एक्यूरेसी आती है, प्रिसीजन आती है। लास्ट है जी 13, ब्लूम टैक्सोनॉमी द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्किल इन न्यू सिचुएशन इज़ नाउन एज एप्लीकेशन। ये इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारा जो आज हमने 3 पेपर देखे, इंशाल्लाह ताला कल जो है वो नेक्स्ट पेपर हम करेंगे SST का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो आज मज़ीद मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। मैं नमाज़ पढ़नी है, अभी नमाज़ आज मैं नहीं पढ़ सका, कहीं बाहर गया हुआ था। तो इसको अच्छी तरह देख लें, बाकी जो ग्रुप में जो डाटा आपको जिस पैटर्न पे भेजा जा रहा है, ग्रुप ए 19A से लेकर 19E तक, 20B से ले ए से लेकर 20B तक जो पैटर्न आपको ग्रुप में भेजा जा रहा है, तो मेरी जी सोलो टैक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन है, वो क्लियर कर दें जी। अंडरस्टैंडिंग जो अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी अंडरस्टैंडिंग में परफॉर्मेंस मुझे तो क्या वो दिन कल भी ऐसे यार, बस वो की मेरे को गलती होगी, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक इसका दुरुस्त जवाब परफॉर्मेंस ही अंडरस्टैंडिंग बनता है। लेकिन हर जगह पे आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा। मेरे हिसाब से इसका अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये परसों जो मैंने सोलो पढ़ाई देख थी। मेरी हाँ, गलती नेक्स्ट क्वेश्चन सर, करेंगे। मैनेजमेंट का जो हार्ट है ये प्लानिंग होगा सर, स्टार्ट की है सर, ये जहाँ से जो एमसीक्यूज पढ़ा मैनेजमेंट स्टार्ट का किए वही हार्ट प्लानिंग होगा हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सर। सर नेक्स्ट मैंने पूछा था सर, एक जगह पे मैंने टॉपिक था, देखा आप जो था बात कर रहे थे वो प्लानिंग मैंने कंप्लीट कर दें सर। आप नहीं। जिस तरह से ग्रुप्स पे हैं सर, जिस पैटर्न पे भेज रहे हैं, जी क्या भेज रहे हैं सर आपने रिकॉर्डिंग सर, वहां जो से आप एमसीक्यूज पेपर पढ़ाना भेज रहे स्टार्ट हैं सर, आप उनका बता रहे थे सर, मैंने कहा वो आप कंप्लीट कर लें बात अपनी। किया, मैंने कंप्लीट कर लिया। जिस पे भेज रहे हैं उसको साथ सर तैयार करें। ये जो इस पे सिर्फ रिलाय ना करें कि ये मैं रोज़ाना एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ये एनफ है। ये सिर्फ आपको समझ लें कि रिवीजन भी एक तरह की हो जाएगी यहाँ पे एमसीक्यू से, प्लस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए टू द पॉइंट चीज़ें ये मैं करा रहा हूँ। ये कोई इस पे रिलाय ना करे कि मैं ये लेक्चर कर लूँगी और मैं पास हो जाऊँगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। जो उधर ग्रुप में टास्क चल रहा होता है उसको लाजमी मुकम्मल किया करें रोज़ाना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने सर फाइनल में पढ़ा समेटिंग था सर, मैंने फाइनल में पढ़ा था, सर बेसिक जगह बेसिक इमोशन जो है ना वो क्लियर है, और दूसरी जगह पे बेसिक इमोशन लव बताया गया था, तो वो कन्फ्यूजन सी थी कि बेसिक इमोशन जो है वो लव है या अच्छा, फियर है। आपने लेक्चर सुना था इसका साइकोलॉजी के चैप्टर में? सर हाँ सुना है? नहीं सुना? फियर हाँ, बताया था आप, सर तो फियर फिर बताया था मैंने आपने, नहीं फियर बताया था, मैंने कहा था फियर लव एंड एंगर तीनों हैं, और अगर फियर आ जाता है और लव भी आ जाते तो फिर फियर को आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर टीचिंग जो फिलहाल है आपकी वो इंटरव्यू टीचिंग जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम में फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन आएगा या जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आएगा? टीचिंग जो है ना वो फ्यू परसेंट टू जनरेशन है। ठीक है सर, थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन। सर। क्लास के एंड को क्वेश्चंस पूछते हैं वो समेटिव इवेल्युएशन है या जो एनुअल सेशन के एंड पे होती है वो समेटिव इवेल्युएशन होती है? जब आप एक लेक्चर की बात करते हैं ना, तो लेक्चर ख़त्म होता है ना, एंड हो जाता है, तो जी लेक्चर के एंड पे आप करते हैं सबमेटिव असेसमेंट, सेशन के एंड पे आप करते हैं इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, कॉपरेशन और सर क्वालिटी आपकी रिकॉर्ड एक्सक्यूज जहां से आपने पढ़ाने स्टार्ट किए वहीं से हुई है ना क्या चीज़? सर? हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना पहले बुक्स के रिलेटेड, उसमें मैंने अपना नंबर बोला है, लाइक वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना नहीं, वो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर? थैंक यू। मेरा क्वेश्चन सर ये लिसनिंग और रीडिंग ये पैसिव होंगी धीमी होंगी मैंने क्या सर, लिसनिंग तो और रीडिंग? मैंने क्या कहा था लेक्चर में इनके बारे में, ये दोनों कौन सी हैं? जी ये दोनों ये पैसिव सर हैं, पैसिव है ना? स्पीकिंग जी सर, एंड थैंक यू, राइटिंग जो है वो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये प्लीज। फाउंडर्स हैं, ये जो डेट्स हैं फाउंडर्स हैं साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे, इनको मैन रखने का कोई ट्रिक बता दें, चटनी बनाई है मिक्सअप हो कभी? जाते हैं। चटनी बनाने का मौका मिला है कभी घर में? नहीं सर, नहीं मिला तो फिर आपका काम नहीं है, छोड़ें आप रटा लगाएं। फिर भी सर हमारे लिख समाज के करेंगे इनको या रोज़ाना रिपीट पढ़ना। हमारे पास पेपर सर? इसका बड़ा सौखा हल है, जो मैंने आपको कल, मेरी बात सुने, कल मैंने नाम लिए थे सर कुछ इम्पोर्टेंट, उनके नाम उनका एक तावीज़ बनाएं, एक पेज के ऊपर लिखें, और उनको जब भी टाइम मिले उनको देख लिया करें एक दफ़ा, इंशाल्लाह ऐसी याद रहेंगी, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर, मेरा सर ये जो क्वेश्चन आपकी बुक है सर ऑब्जेक्टिव, सर इसके ये सारे पेपर्स करने हैं? जी बिल्कुल सारे करने हैं, ये को पूछने वाली बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम साइड बाय साइड या आप मेरी अलग से आवाज आ हर रही है डेज क्या? में? मैं साइड बाय साइड क्या? क्या चीजें आएंगी एक सर मिनट, ये वन हम बाय लोग वन। स्टार्ट हम मैंने हम इसको कंटिन्यू रखें या आप इसका नहीं अलग नहीं से आप हमें ग्रुप कराएं, में बताएं? मैं कोई मैं जी देखें, ए बी सी का तो हमने सेशन मुकम्मल करवा लिया है, उनके तो टेस्ट सेशन चल रहे हैं ना, बाकी उससे अनवर जिसको जो हम बता रहे हैं वो करते जाएं, एंड पे टाइम ही इतना मिलेगा कि आप लोग पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, तो इसलिए पास्ट पेपर तो इधर एफपीएससी वाले कुछ पीपीएससी के इधर मैं करवाऊंगा,
तो बाकी आप लोगों से जितना हो सके आप करें। अब मेरे से अगर मैं किसी चीज़ का मशवरा दे रहा हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं दे रहा तो खुद आपके पास टाइम बच रहा है तो ऑब्जेक्टिव में पास्ट पेपर और जो स्मार्ट पेपर है वन लाइनर, ये जो वन लाइनर है ना मेरी बुक के अंदर, चाहे वो चौथा एडिशन है या छठा एडिशन है, ये मैं आपको किताबों के नाम बता रहा हूँ, क्रक्स ऑफ एजुकेशन के सारे सवाल हैं इसके अंदर, सारे क्वालिफाई बी एड क्वालिफाई एम एड के सारे सवाल हैं इसके अंदर वन लाइनर में। उसके बाद एजुकेशनल परसोना के 80% क्वेश्चन है इसके अंदर, उसके बाद जोन ऑफ एजुकेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ वेबसाइट्स के इसके अंदर क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ट्रस्टेड आइटम बैंक, ये वो क्वेस्ट की बुक्स हैं जिन सारे जिनके सारे क्वेश्चंस को मैंने वन लाइनर फॉर्म में 8,999 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। जो इनको पढ़ सकता है वो ज़रूर 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 पढ़े स्मार्ट पेपर्स को। तो पास्ट पेपर तो आपको पता है कि जितने भी मेरे बैचेज हैं सबको मैंने पास्ट पेपर करवाने हैं, सबको उनका टेस्ट सेशन लाजमी मैं लूँगा, किसी और चीज़ का मैं ले सकूँ या ना ले सकूँ, पास्ट पेपर सबका मैं टेस्ट रखवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और जी सर, मैंने क्लास इसमें जो इसमें एजुकेशन हाँ इसमें एक और अहम बात है कि जो ये वन लाइनर जिसको जितना टाइम मिल रहा है टाइम बच रहा है, तो ये मैं आखिरी 10 दिन में मैंने ये बात कहता होता हूँ कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो ये 8,900 क्वेश्चन लाजमी रीड करें इंशाल्लाह ताला, आपके पेपर का बहुत अच्छा खासा पोर्शन इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन में से आना है। जी सर, ये जो क्वेश्चन है क्लास ऑफ एजुकेशन पढ़ रही हो उसमें से आपकी बुक ज्यादा सर, अच्छी है सर। ये साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी किस फिलोसोफर की वन बुक लाइनर है? किधर है? ये ये कि अरिस्टोटल का है। ये अरिस्टोटल का है, ये वन लाइनर किधर है? स्मार्ट पेपर्स हैं सर आपके सारे, इन्होंने बुक नहीं खोल के देखी अभी तक। हाँ बस फिर बुक इनका है सर, ये डिग्री मौजूद अब है अच्छा, मेरी सर, मेरी थोड़ा आप सही मेरी बता बात दीजिए। सुने, मेरी बात सुने, सेशन मेरी जी सेशन मेरी बात जी सुने, सेशन मैंने स्टार्ट करवाए ये थे, पेपर्स हैं स्मार्ट पेपर्स के। मैंने ना ये जुलाई से सेशन स्टार्ट किया था, बुक्स जिसकी जैसे फीस आती गई थी हमने उनको बुक्स भेजना शुरू कर दी थी, जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले हैं उनको चाहिए था कि वो खुद साथ साथ करते रहते कि जी ये हम कर लें कर लें, अब टाइम ये है कि टाइम कम है तो वो कहते हैं कि हम ये करें या ये करें, अब जो हो सकता है वो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, शाबाश जल्दी से, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट अवेलेबल हूँ। जैसे एमसीक्यूज में सर सर मैंने ये ना कुछ पूछना था मिस्टेक्स जो होती हैं सर, हाँ ये वन लाइनर में भी कोई मिस्टेक्स नहीं, तो नहीं मेरी वन होगी? लाइनर बुक के अंदर मिस्टेक नहीं है, मेरे ना पास्ट पेपर के अंदर, पास्ट पेपर में कोई एरर्स हो सकती हैं, बल्कि जो फोर्थ एडिशन में थी आप लोगों को साथ एक पेज मिला होगा जिसमें जो एरर जी सर मुझे लगी हैं वो मैंने जी हाईलाइट सर, करके पेज भी साथ दिया हुआ है। स्मार्ट पेपर वो जो है सर मैं ना, ठीक कर लेंगी स्मार्ट पेपर के अंदर जी। अगर हुई तो बहुत ज़्यादा हुई तो 2 से 4 मिस्टेक शायद कोई निकल आए, ये पॉसिबिलिटी तो होती है ना, 100% चीज़ें ठीक नहीं होती, सर तो हाँ बाकी नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला, ये आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने स्मार्ट पेपर ये रीड मेरी किए हैं सर, मैंने स्मार्ट पेपर रीड किए हैं ना, और इसका कौन मतलब थी? वो आपके लेक्चर बोलते हैं, और मतलब जो लेक्चर सुन ले उसके लिए स्मार्ट पेपर पे अंडरस्टैंड करना बहुत आसान भी हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब कंसेप्ट आपके हाँ लेक्चर से क्लियर हो जाते हैं, बस वो फिर स्मार्ट पेपर पढ़ लें वो फिर चीज आपकी एक तरह से रिवाइज हो अच्छा जाती है, और थैंक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी क्लियर है, यू। क्यूज टाइप वो डिस्पर्समेंट आप कर रहे हैं अच्छा वो भी सर, बता दें कैंडी, एक्वेंट्स रोल सही है या उसका कैश रजिस्टर देखिए कि जो सैलरी है सैलरी ना रजिस्टर एक्विंटेंस रोल उसके लिए यूज़ किया जाता है, सैलरी के लिए कैश रजिस्टर यूज़ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सर जी जी नेक्स्ट सर, मैं क्वेश्चन। अच्छा किसी सर किसी मुझे जगह पे आपसे सवाल रोल करना था, जो आपने कहा ना कि ये वाले प्ले मॉडल्स कर जो हैं ये बहुत ज्यादा अहम है या कुछ भी ऐसा सर, अब टाइम तो वैसे कम है तो बाकी जो आपने लेक्चर पहले सारे पढ़ा लिए हैं तो क्या वो भी हम लोग याद करें, क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम है सर, तो टाइम कम है जो तो वो चीजें फिर बहुत ज्यादा आपने हाँ वो सर जो चीजें आपने कहा ये मोस्ट बार बार ये चीजें पेपर्स में आई हैं, या सिर्फ उनको पढ़े या सारे के सारे जो आपने पहले में पढ़ाए हैं लेक्चर्स वगैरह मेरी वो भी बात बाकी हम लोग सुने, याद करें मेरी मेरी बात सुने, अगर इस टाइम कोई ऐसी बंदी हो जो कहे कि
मैं जो है ना वो एक महीने में सारे सिर्फ सब्जेक्टिव लेक्चर जो है वो करना चाहूँ तो ये एनफ है, मैं कहूँगा यस। लेकिन मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि एक महीने में वो 58 लेक्चर और सब्जेक्टिव बुक कवर नहीं पढ़ सकती, नहीं मुकम्मल वो कर सकती, ठीक है। मैं गारंटी से बात ये कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि अगर नहीं हो सका तो लेक्चर लाजमी सुन लें, बाकी एमसीक्यूज़ पढ़ें। अभी आपको पता है जो स्टूडेंट अभी मेरा सेशन ज्वाइन कर रही है, मैं उनसे कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ, 2500 रुपये की। अभी ये वैसे दो बुक्स हैं 23, मैं उनसे सिर्फ 3000 फ़ीस चार्ज कर। मैं उन्हें मना करता हूँ कि आप सेशन ना ज्वाइन करें, आप ये एमसीक्यूज़ ले लें, टेस्ट अटैम्प्ट करें, वीडियो लेक्चर ये सुन। नहीं सर, हमने सेशन में आना है, आ जाएँ अभी। तो बात करने का मकसद ये कि मुझे पता है कि मैं उनसे फ़ीस 5000 अभी भी अगर जिनसे लेना चाहूँ ना, अब अगर मैं किसी को कहूँ ना मैं 8000 ले रहा हूँ, आप यकीन करें भाग भाग के देंगे, लेकिन मैं नहीं ले रहा। तो बात करने का मकसद ये कि ये वो टाइम नहीं है जहाँ आप सब्जेक्टिव प्रिपरेशन पे फोकस करें। इस टाइम में जितना हो सके, मैंने कई दफ़ा कहा है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। बाकी इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब्जेक्टिव को बिल्कुल छोड़ दें। हम आप लोगों को रोज़ाना दो लेक्चर दे रहे हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एफपीएससी का मैंने आपको बताया कि 40 क्वेश्चन बिल्कुल रटे वाले होंगे, 40 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, और वो एमसीक्यूज़ पढ़ने से आपके क्लियर नहीं होने वाले। उसके लिए आपको लेक्चर को सुनना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये अगर मैं इसको ना नॉर्मल रिकॉर्ड करता, ये जो आज मैंने टोटल 70 MCQs रिकॉर्ड किए हैं, मुझे 20 मिनट लगने थे, 1 घंटा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग अब तक चल चुकी है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो साथ है, ये इसका पर्पस ये होता है कि उससे रेलिवेंट रिलेटेड चीज़ें जो बाकी हैं वो भी आपके समझ में आ जाएं। अगर ये नहीं, इससे मिलते जुलते इसी एरिया के दूसरे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व करने के काबिल हो सकें। तो इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी सारी बात को, जिन स्टूडेंट्स ने हाफ सिलेबस अभी भी कवर कर लिया हुआ था बैच 2020 B में, उनको अच्छा मैं बात जो कर रहा था मुझे मुकम्मल कर लेने दें। अल्लाह करे आपको भी ऐसे स्टूडेंट मिलें जब आप स्कूल में जाएं तो आप बात अभी पूरी ना करें, वो आपको फिर दरमियान में डी ट्रैक करें। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह करे अच्छे स्टूडेंट मिलें आपको, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो आप ना सब्जेक्टिव जिनका मोर देन 50% सिलेबस कवर है, आपको पता है आपका 1 हफ्ता टाइम लाइन FPSC ने बढ़ा दी है, 4 5 दिन बढ़ाई, आज रिवाइज स्केड्यूल आया आपका, तो हमें मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं कहा चलें 5 दिन और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आपका 5 दिन ये जो PTI के, स्केड्यूल हाँ बता दीजिए। जो क्या स्केड्यूल अभी नहीं आया भाई, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ 21 से होने थे, अब 24 के बाद होंगे स्टार्ट। तो 3 से 4 दिन, 5 दिन का आपका जो है ना वो पीरियड, 5 दिन, 4 से 5 दिन का पीरियड जो है ना वो एक्सटेंड हुआ है। ऑब्जेक्टिव पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, लेक्चर सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ना सब्जेक्टिव लेक्चर प्रिपेयर ना भी कर सकें ना इस टाइम, तो लेक्चर सुने लाजमी, टेस्ट लाजमी वो दोनों अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, जिनका मैं कह रहा हूँ कि 50% रहता है ना सिलेबस, वो इजीली कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जब सब्जेक्टिव को अच्छी तरह समझ के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आप यकीन करें कि 80% पैडागोजी आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं MCQs के अंदर, उसके लिए मैं फिर ये सेशन करा रहा हूँ, और अभी इस पे इंशाल्लाह ताला हमारे मिनिमम 20 लेक्चर मज़ीद भी होंगे लाइव, तो उसमें इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। सवाल है कोई? सर रिक्वेस्ट है सर, जी सर ये जो आप पेपर करवाते हैं 30 मार्क्स का, ये जो 1 लाइन है सर, ये एक दिन पहले हम भेजे थे आप स्मार्ट ये देखें 88 है, लेकिन इसमें सवाल 8900 हैं एक पेपर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके सर, तो उसका बता दें क्या करो सर, कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर। सर जब हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं तो उसमें लर्नर प्रेफरेंस को फोकस करते हैं। मुझे समझ नहीं, दो बंदियां बात कर रही होती हैं, पता नहीं आप घर घर में भी ऐसे लड़ती हैं आप आपस में। सर जब हम कंटेंट सर मैं इसलिए चुप को सिलेक्ट करते हैं करिकुलम के लिए, तो क्या उसमें हम लर्नर प्रेफरेंस को फोकस करते हैं? हाँ, टाबा मॉडल के अकॉर्डिंग करते हैं, टेलर के अकॉर्डिंग नहीं करते। नहीं ठीक है, यानी ये आएगा क्या चीज़? हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था चलिए वो? ठीक एमसीक्यूज फाइल वाला है मोहतरमा क्या पूछ रही सर। थी? ये जो क्वेश्चन एमसीक्यूज सर, ये जो एमसीक्यूज भी आप करवा रहे हैं 30 क्वेश्चन, ये अगर इतने पहले शेयर कर देना तो ये जो स्लाइड का इशू बनता है ये हमें नहीं बनेगा, हम लोग जो है ना वो पेपर खोल लेंगे क्या नाम है आपका? सर। ये जो आपने कहा एक ना मिनट, अक्सा बेबी बाय सब, नेम करवाने, अक्सा बेबी सब्र करें ओके सर सर जरा तो जी। नहीं मेरी बात सुने ना आप, मुनज़ा आप चुप करें। ये कौन थी जरा नाम बताएं मुझे। राशिदा अच्छा आप कौन से ग्रुप में? 19B से है ना? 19B से जोई चले आप जरा चेक करें कि ये सारे पेपर आज की डेट में शेयर हुए हैं। अगर हुए हैं तो फिर तैयार हो जाएं अगले जुमलों के लिए, अगर नहीं हुए तो फिर चलें नेक्स्ट। जी शाबाश। सर कबल अजबक सर, मैंने नहीं और आपने कहा कि चैप्टर के अकॉर्डिंग अब चेक कर एमसीक्यूज लेते हैं। करवाएंगे आप, एमसीक्यूज हाँ फाइल्स जो शेयर की जाती हैं ग्रुप में तो अब वो भी करवाएंगे आप। जी साहब जरा एमसीक्यूज फाइल्स भेजी गई हैं उन्हीं के जी अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। जी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हाँ जो चीज़ें आपने कर ली हैं कोशिश ये होगी कि उनको दोबारा ना कराया जाए। समझ लग रही है मेरी बात की? जी सर थैंक हाँ यू। वो तो आपने एमसीक्यूज पढ़े हुए ही हैं ना, वो दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है हमारे से हो ही नहीं रहे, कल, इंग्लिश ठीक नहीं हो रही हमारे से, इंग्लिश का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो इंग्लिश खुद करें। सवाल इंग्लिश खुद करें, खुद करें, खुद करें, इंग्लिश का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चलें जी। कि पहले मेल पास तो नहीं आ प्लीज क्लियर कर दें, उसके बाद क्या कर ऑपरेशनल दूँ? मैनेजमेंट थ्योरी में आपने कहा ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का ना आपने बताया कि यही मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ऐसे ही है ना, हाँ तो सर जो दूसरा है ना पीटर ड्रूकर का, उसका भी आपने यही लिखा होगा कि वो भी फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, मतलब हेनरी फायोल, और इसमें से कौन होगा फिर पीटर ड्रूकर फ्योल, में से? अच्छा फ्योल है फ्योल। ठीक है सर थैंक यू। कौन ओके जी सी बुक इंशाल्लाह। सॉरी सर मैंने अभी चेक किया और आज ही मैंने नहीं देखा था, चलो आज ही नहीं ठीक देखा था और आज ही ठीक है ठीक है। सॉरी सर मैं क्या कहूँ अब सर, आप, मैं आप एक दफा रिपीट कर मैंने देंगे सर नाम देखें जो आपने कल बोले थे सर, जो जो याद होते हैं आपका अपने। ये जोई का नाम शो हो रहा था, मैंने सिर्फ इसलिए ना डायरेक्ट, मैं आपको पता है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत प्यार और मोहब्बत से अलकाबात के साथ आपको जो है ना आज नवाजूं, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैं कहा चलें आप पढ़ने वाली हैं तो आपको इग्नोर किया जाए। मैं कल फिर लेक्चर में थैंक यू बता सर, दूंगा, कल मैं ओके लेक्चर में बता दूंगा। नेक्स्ट जो पेपर हम पढ़ेंगे उसमें कहीं पे कोई नाम आता है तो वो उस वक्त रिकॉर्डिंग में मैं बता दूंगा। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।